इंडिया का वन ऑफ द लीडिंग ऑडियो एक्सेसरीज मेकर बोट, उन्होंने यहाँ पे अनाउंस करके बताया कि उन्होंने क्वालकॉम वेंचर्स, जो कि वेंचर कैपिटल आर्म है यूएस बेस्ड चिप मेकर क्वालकॉम का, उनसे फ्रेश इन्वेस्टमेंट यहाँ पे रिसीव किया है। इसके साथ ही उन्होंने यहाँ पे जो अमाउंट है जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट के तौर पे रिसीव किया उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। मैं आपको बता दूं कि 2021 में बोट की ये जो है सेकंड फंड रेजिंग है, जहां पे जनवरी के महीने में बोट ने वॉरबर्ग पिनकस, जो कि एक ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी फर्म है, उनसे $100 मिलियन या फिर यू कह ले अप्रॉक्सीमेटली 730 करोड़ रुपीज इन्वेस्टमेंट के तौर पे रिसीव किए थे। और उससे पहले फिर बोट ने जो है फ्लिपकार्ट के को फाउंडर सचिन बंसल से भी 20 करोड़ रुपीज एज ए इन्वेस्टमेंट के तौर पे रिसीव किया था। वहीं पे बोट का यहाँ पे ये कहना है कि ये जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने हासिल की है इसके चलते वो अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बूस्ट करेंगे, इसके साथ ही अपने मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को भी यहाँ पे बूस्ट करने वाले। इसके साथ ही बोट के को फाउंडर समीर मेहता का ये कहना है कि जैसे ही बोट यहाँ पे अपने नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ और इनोवेशन की ओर मूव कर रहा है, एंटर कर रहा है, तो वो लोग जो है अपने रिश्ते को क्वालकॉम के साथ बेहतर बनाना चाहते हैं। इसके साथ ही R&D कैपेबिलिटीज में भी यहाँ पे पूरा फोकस करेंगे, ध्यान देंगे। वहीं पे जो है इनके चलते जो वो लोग अपने प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करते हैं इंडिया में, उनके एफर्ट्स को भी यहाँ पे बढ़ाएंगे। मैं आपको बता दूं कि बोट कंपनी की बेंगलुरु में R&D फैसिलिटी आज के टाइम पे मौजूद है। वहीं पे पिछले साल ही बोट ने अपने जो एम्प्लॉयज़ का आंकड़ा है उसको बढ़ाया है, जो कि डबल हो गया है। वहीं पे उन्होंने जो है पिछले साल नई कैटेगरीज जैसे कि स्मार्ट वॉच हो गया उसमें भी अपने आप को एक्सपेंड किया। इसके साथ ही बोट ने जो है पिछले साल ही 20 न्यू ऑडियो प्रोडक्ट्स को भी यहाँ पे मार्केट में लॉन्च किया। बोट कंपनी यहाँ पे कई सारे इन्वेस्टर्स को इसलिए भी अट्रैक्ट कर पा रहा है क्योंकि बोट इन्वेस्टर्स के लिए थियोरेटिकली इंटरेस्टिंग प्रोस्पेक्ट है, लेकिन इसको बैक करने के लिए बोट कंपनी के पास आज के दौर में नंबर्स भी मौजूद है। जहाँ पे मैं आपको बता दूं कि फाइनेंशियल ईयर 2020 में बोट ने 5 बिलियन रुपीज इन रेवेन्यू रिकॉर्ड किया था। इसके साथ ही एनालिस्ट का यहाँ पे ये एक्सपेक्टेशन है कि ये जो आंकड़ा है वो फाइनेंशियल ईयर 2021 में डबल हो जाए। इसके साथ ही दिसंबर 17 2020 के HDFC सिक्योरिटीज की रिपोर्ट की माने तो बोट का जो रेवेन्यू है वो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में जो है वो डबल हो जाएगा, जो कि बताया जा रहा है ये बढ़ के 5 बिलियन रुपीस से 10 बिलियन रुपीस पे पहुंच जाएगा। वहीं पे जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू है वो भी यहाँ पे बढ़ा है, जो कि पहले 450 रुपए था वही बढ़ के अब 750 रुपए हो गया। बाकी दोस्तों मेरा आपसे यहाँ पे ये सवाल, आप ज़रा हमें बताइए क्या आपने बोट के प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं? अगर हाँ तो आपको कैसे लगे, यूज़र एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा, हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही ये भी हमें बताइए कि ऐसी बाकी और कौन सी इंडियन कंपनीज़ हैं जो कि बोट के साथ यहाँ पे आने वाले टाइम पे टक्कर दे सकती है उसको। जो भी आपको लगता है कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और ध्यान रखिए मैं आपके कमेंट ज़रूर पढ़ता हूँ। बाकी मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ ही ब्रांड से रिलेटेड न्यूज़ अपडेट्स और ब्रांड स्टोरीज ऐसे ही रेगुलर बेसिस पे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। मेरा नाम तौहीदुर रहमान है, मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक आप नेक्स्ट बिग ब्रांड को देखते रहिए, अपना ध्यान रखिए और मास्क लगा कर ही बाहर निकलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।